के साथ एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने अपनी बातों से सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा में सरकार की सच्चाई दिखाई दी है और क्षतिपूर्ति पोर्टल परेशानी के लिए बनाया गया है। प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में अध्यापक नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर्स और सुविधाओं की कमी है। बीजेपी सरकार में नशा बहुत ज्यादा बढ़ा है और नशा तस्करों पर सरकार का हाथ है। प्रदेश के युवा सट्टेबाजी में पड़ गए हैं और युवा विदेश जा रहे हैं। विधानसभा में मेरी आवाज दबाई जाती है, ये तमाम बातें अभय चौटाला ने कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि शराब घोटाले पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और संदीप सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम उनका इस्तीफा लेंगे ही नहीं। वही नू हिंसा पर कांग्रेस सदन में चुप रही। पानी का, बाढ़ का, वो बहुत बड़ा इशू था और उसके ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे, जब हम सरकार की नाकामियां उस सरकार को बता रहे थे भी कम से कम तुम आगे से इस बात का ध्यान रखना, मैंने ये पूछा था कि मुख्यमंत्री ने जो 1100 करोड़ रुपया मंजूर किया था 19 जनवरी 2023 को, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया उसको बताया जाए। मेरे जवाब में ये बात नहीं आई कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया, उसको गोलमाल कर दिया गया सारे को। वो पैसा जो मंजूर किया गया था वो पानी रोकने के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए किया गया था और वो पैसा अब ये कागजों में दिखाएंगे कि पानी के साथ बह गया। खिलाफ सख्ती नहीं है, अगर यात्रा निकलती है हम भी उस यात्रा में जा सकते हैं। सभ्य तरीके से कोई काम हो हर नागरिक उसका स्वागत करता है और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की धार्मिक कोई भी चीज जो है उसमें कोई भी व्यक्ति इस किस्म की भाषा का प्रयोग ना करे जिससे कोई किसी को सीधा उसका जो है उससे उसके ऊपर असर पड़े। लेकिन ये तो जानबूझ करके इस सरकार ने ये सारा का सारा मामला एक षड्यंत्र के तहत किया था। इसमें सरकार की पोल खुल गई, सरकार इसमें बिल्कुल आशिये पे आ गई।